रायपुर क्षेत्र के ग्राम कुशालपुरा में रविवार सुबह मोपेड़ पर जा रहे किसान पर बिजली का तार टूटकर गिर पड़ा। इससे मोपेड़ में करंट प्रभावित हो गया और उसने आंख पकड़ ली। देखते ही देखते मोपेड़ धू धू कर जलने लगी। मोपेड़ सवार किसान भी आंख की लपटों से गिर गया। इस दौरान आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, मोपेड़ सवार को आंख की लपटों से दूर किया। घायल को एम्बुलेंस के जरिए पहले रायपुर, फिर ब्यावर तथा वहां से अजमेर रेफर किया गया। रेफर के दौरान अजमेर चिकित्सालय पहुंचने से पूर्व ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गांव लीलांबा में स्थित नावेड़ा बेरा से किसान दीपाराम मोपेड़ से कुशालपुरा रोड स्थित शादी की प्याऊ के पास खेत में जा रहा था। इस दौरान खेत से पहले रास्ते में बिजली का तार अचानक टूटकर ऊपर गिर गया। बिजली के तार के संपर्क में आते ही मोपेड़ में आग लग गई और तेज धमाका हुआ। रास्ते में आवागमन नहीं होने से आंख की लपटों में किसान बचने का प्रयास करता रहा। आंख से दीपाराम बुरी तरह झुलस गया। हादसे की जानकारी के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे एवं एम्बुलेंस मंगवा कर उसे रायपुर चिकित्सालय पहुंचाया। रायपुर से दीपाराम को ब्यावर रेफर कर दिया गया। ब्यावर में दीपाराम को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। अजमेर रेफर के दौरान दीपाराम ने जेएलएन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया है।